आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोयाबीन की बड़ी की एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, जो शायद ज्यादातर सभी की फेवरेट होती है और अक्सर हम होटल में खाते हैं। आज आप घर में बनाएंगे कम सामान, कम मेहनत, बिना किसी कॉर्नस्टार्च और सिरके के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ली है 2 कप के करीब सोया बड़ी, जिसे आप सोया चंक्स या सोया नगेट्स भी बोलते हैं, जो पैकेट आता है ना मार्केट में, बस मैंने वही वाला लिया है। अगर वजन से बोलूं तो लगभग 180 ग्राम के करीब ये सोया बड़ी होंगी। तो सबसे पहले हमें इन्हें अच्छे से उबालना होगा, जिससे कि वो ज्यादा स्पंजी और फ्लफी बने। ऐसे हम जब गर्म पानी डालते हैं तो वो उस लेवल पर फूल नहीं पाते, लेकिन इस तरह बॉईल करके जब आप बनाएंगे तो डिफरेंस आप खुद देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में रखा है लगभग 3 ग्लास के करीब पानी, और यहीं पर हम पानी में डाल देंगे लगभग 1 छोटी चम्मच नमक, जिससे कि जब इसमें सोया बड़ी उबले तो उसमें बढ़िया सा एक नमकीन फ्लेवर आ जाए। पानी हो गया है गरम, तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारे सोया चंक्स, अच्छे से सोक कर देंगे, इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल बढ़िया हमारी बड़ी फूल जाए। ऐसे हम सोया बड़ी की कोई भी सब्जी वगैरह, ग्रेवी की कुछ भी बनाते हैं, तो अगर आप गर्म पानी में भिगो भी देते हैं तो चल जाता है, लेकिन स्पेशली मैं सोया मंचूरियन के लिए बता रही हूँ, आप इसे उबालें प्रॉपर, जिससे कि ये खूब फूल जाए। और ये देखिए हमारी सोया बड़ी में बढ़िया से उबाल आ गया है, और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया फ्लफी फ्लफी ये तैयार हो गई है। तो बस एक उबाल आने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद। इस तरह से एक छलनी लगाकर आप सारा पानी निकाल दें, ये बहुत ही जरूरी है। और सारा पानी निकालने के बाद एक बार हम साफ पानी से बड़ी को जरूर धोएंगे। सिंपल नॉर्मल ठंडा पानी लें और उससे अच्छे से धो लें, और धो करके बढ़िया से निचोड़ करके हम इसको तैयार कर लेंगे। अच्छी तरीके से पानी से इसको धो लिया, धो करके अच्छे से निचोड़ दिया। निचोड़ करके आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह तैयार हो गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इतना भी ज्यादा नहीं हमें निचोड़ना है कि ये टूट जाए या फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब इसमें नमी रहनी चाहिए, जिससे कि हम इसको आसानी से सेक पाए। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा, क्योंकि आज मैं इसको बिना कॉर्नफ्लावर के बता रही हूँ, तो आप आसानी से परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सोया मंचूरियन बना पाएंगे। तो लगभग 3 बड़े चम्मच है। आप मैदा बिल्कुल उसी हिसाब से लें जैसे जितनी क्वांटिटी है, तो ये देख लें, अगर कम पड़े तो थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसको क्रिस्पीनेस यानी क्रिस्प बनाने के लिए, करारा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ पर आप 3 से 4 बड़े चम्मच सिर्फ मैदा से ही इसको तैयार कर सकते हैं। चावल का आटा डालने से ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर जब आप खाएंगे ना एकदम मजा आ जाएगा खाकर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो यहाँ पर आप डालिए 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, और साथ ही में 1 से 2 बड़ा चम्मच मैदा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या फिर आपके पास अगर अरारोट पाउडर है तो आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह बनाएंगे तो परफेक्ट आपका सोया मंचूरियन बनेगा, क्रिस्पी और रेस्टोरेंट स्टाइल। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। आगे हमें सॉसेस भी यूज करनी है, तो उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं नमक यूज करेंगे। और जब हमने सोया बड़ी उबाली थी तब भी नमक डाला था, तो ये आप देख लें कि उसी अनुसार डालें। साथ ही में इसको चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब इसमें डालेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, अगर पेस्ट है तो पेस्ट डाल लीजिए, या फिर अदरक या लहसुन ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगी एक बहुत ही जरूरी चीज, और वो है 2 बड़े चम्मच दही। दही इसको बहुत ही बढ़िया खटास वाला फ्लेवर देगा, साथ ही साथ इसको मॉइस्चर देगा, जिसकी वजह से हम इसकी बाइंडिंग बहुत ही इजीली कर पाएंगे, और दही के कारण इसमें बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। यदि आप दही नहीं लाइक करते तो यहाँ पर फिर आप दही ना डाल करके थोड़ा सा पानी डाल लें, जिससे कि सभी चीजें बढ़िया से कोट हो जाएं। और फाइनली डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल इसको क्रिस्पी बनाएगा, सिर्फ 2 छोटी चम्मच। अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से हल्के हाथ से कर देंगे मिक्स, जिससे कि सारे सोया चंक्स पर ये वाली कोटिंग लग जाए। और ये देखिए मैंने बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स कर लिया, और हमारी जो सोया बड़ी है एकदम परफेक्टली कोट हो गई है। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा मत निचोड़िएगा, अगर ये थोड़ी सी नमी रहेगी तो बढ़िया से ये कोट हो जाएंगी। और हमने दही डाला तो इससे इसको मॉइस्चर भी मिल गया, टेस्ट भी मिल गया, और बहुत ही स्वादिष्ट आपका सोया मंचूरियन तैयार होगा। और अब हम सोया बड़ी को रख देंगे थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए लगभग 5 मिनट के लिए, और जब तक तैयारी कर लेते हैं आगे की। अब हमें अपने सोया बड़ी को करना होगा फ्राई, तो उसके लिए आप गैस पर रखें 1 कढ़ाई, और कढ़ाई में डालें कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर बढ़िया से गर्म करेंगे। तो चलिए ऑयल हो गया है बिल्कुल बढ़िया से गर्म, अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को कर दीजिए मीडियम हाई। एक एक करके हम अलग अलग करके बड़ी को डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से, देखिए बबल्स आ रहे हैं ना, बस यही इंडिकेशन है हमें ऐसा ही गर्म तेल चाहिए। हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, जैसे सुविधा लगे। अभी आप देख रहे हैं ना बहुत तेजी से बबल्स इसमें उठ रहे हैं, जैसे जैसे ये सिकता जाएगा ये जो बबल्स आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे।
एक चम्मच से थोड़ा सा अलग अलग कर दें अगर चिपक जाए तो। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि बबल्स बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं, बस थोड़ा सा और इसको फ्राई करेंगे, एकदम करारे करारे हमारे सोया चंक्स फ्राइड तैयार हो जाएंगे। जैसे कि इनका कलर बता रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन हो गए हैं, तो हम अपने सोया चंक्स सारे फ्राइड निकाल लेंगे, क्रिस्पी करारे मजेदार। और इसी तरह हम अपने सेकंड बैच के भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे सारे ही सोया चंक्स फ्राइड होके बिल्कुल तैयार है, क्रिस्पी करारे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया। तो मैं आपको ये खोल कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए परफेक्ट, आप इसके अंदर के स्पॉन्ज देख सकते हैं कि सिकने के बाद भी अंदर एकदम स्पॉन्जी नरम और बाहर से एकदम करारा। एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए और फिर जब मेहमान आने हो, जब आपका दिल करे खाने का, निकालिए फटाफट मंचूरियन सॉस बनाकर टॉस कीजिए, बहुत ही जल्दी 5 मिनट में आपका क्रिस्पी सोया मंचूरियन तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं मंचूरियन सॉस। फटाफट मंचूरियन सॉस बनाने के लिए सबसे पहले आप रखिए एक बड़ी कढ़ाई या पैन, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। सुपर टेस्टी मंचूरियन सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए थोड़ी सी वेजीज। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है लगभग 5-6 लहसुन की कली, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया, थोड़ा सा अदरक ग्रेटेड, 4-5 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट कर लिया है, लंबाई में कट कर लिया, 1 प्याज जिसे इस तरह से मैंने स्क्वायर पीस में कट करा है, थोड़ी सी मैंने ली है 3 रंग की शिमला मिर्च। जो भी सब्जियां आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर सिर्फ हरी शिमला मिर्च है तो सिर्फ हरी डाल लीजिए। मेरे पास लाल और पीली वाली भी थी फ्रिज में, तो मैंने वो भी ले ली है। तो जो भी आपके पास हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन और अदरक, यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी अपनी कटी हुई हरी मिर्च। बहुत ही जल्दी बनने वाली होती है चाइनीज रेसिपीज, खास बात ये होती है कि चाइनीज खाना पूरा हाई फ्लेम पर बनाया जाता है, तो यहाँ मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। बहुत ज्यादा किसी भी चीज को नहीं पकाना है, बस हल्का सॉटे करना है जिससे कि उसका क्रंच बना रहे, वरना क्या होगा सब चीज मुलायम पड़ जाएंगी। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे हमारी प्याज, प्याज को भी करेंगे फटाफट से सॉटे, हल्का सा भून लें, बस सिर्फ आधा मिनट हमें प्याज को और सारी चीजों को भूनना है। अब फटाफट से डाल देंगे इसमें सारी शिमला मिर्च, और याद रखिए शिमला मिर्च को डाल करके बहुत देर बिल्कुल नहीं पकाना है, सबका रंग खराब हो जाएगा। तो बस इसको भी आधा मिनट ही हम करेंगे हल्का सा इस तरह से टॉस। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर इसमें बहुत ही बढ़िया लगने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे खटास देने के लिए। आप चाहे तो टमाटर आप नहीं लाइक करते तो फिर आप सिरका डाल सकते हैं, लेकिन सच मानिए टमाटर डालने से इतना बढ़िया इसमें स्वाद आएगा, लुकिंग आएगी, पता भी नहीं चलेगा। टमाटर डालकर एक बार कीजिए मिक्स, 40 सेकंड के लिए आप लिड लगा दें और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने दें, बस हल्का सा कि उसका क्रंच भी रहे और वो सॉफ्ट भी हो जाए। तो बस अब लिड को हटाते हैं और फटाफट इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। ये मत सोचिएगा कि इससे मीठा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये इसके फ्लेवर को बैलेंस करेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। अगर सोया सॉस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपके पास अगर शेजवान सॉस है तो आप वो यूज कर लीजिए, बगैर सोया सॉस के भी ये बढ़िया ही बनेगा। इसको करेंगे मिक्स। लहसुन लाल मिर्ची का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच, अगर शेजवान सॉस है तो आप शेजवान सॉस डाल लीजिए। तो जब आप ये डालते हैं तो फिर सोया सॉस की आपको इतनी आवश्यकता नहीं महसूस होगी, इसी से बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर एकदम जाग जाएगा। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, पहले से भी हम नमक डाल चुके हैं। और फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चीनी, आप अगर थोड़ा मीठा ज्यादा लाइक करें तो थोड़ी सी और डाल लें, लेकिन इसमें चीनी जब थोड़ी सी आप डालेंगे ना तो समझिए वो पूरे फ्लेवर को इतना इनहेंस कर देगा, मतलब इतना बढ़ा देगा कि सब एकदम फ्लेवर इसमें उभर कर आएंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी को पतला करना होगा ना, जिससे कि हम अपने फ्राइड सोया चंक्स को अच्छी तरीके से उसमें कोट कर पाए। फ्लेम को हाई रखिए और फटाफट थोड़ा सा पानी डाल करके इसको सॉस वाला लुक दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी कॉर्न स्टार्च का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसी तरह पानी को डाल रही हूँ। आपके पास अगर है कॉर्न स्टार्च तो थोड़ा सा आप कॉर्न स्टार्च और पानी मिला करके उस घोल को डाल सकते हैं। सॉस के थोड़ा सा थिक होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी सोया बड़ी। सोया बड़ी के साथ अच्छी तरीके से पूरी सॉस को हम टॉस कर देंगे, बहुत ज्यादा हमारे फ्राइड सोया चंक्स को हम नहीं पकाएंगे और ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। आप करारे करारे बनाए हैं तो करारे रहने चाहिए ना, तो बस थोड़ा सा कीजिए मिक्स इस तरह
और ये लीजिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, तुरंत गैस ऑफ करेंगे। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। लग रही है ना एकदम बढ़िया, मेरे तो बनाते बनाते वक्त की मुंह में पानी आ गया है। तो फटाफट करते हैं गर्मा गर्म सोया मंचूरियन रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल सोया मंचूरियन, और वो भी बिना सिरका और बिना कॉर्न स्टार्च के, बिल्कुल होटल जैसा, एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी। जब आप खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे, चटपटा गर्मा गर्म मजेदार। तो इस तरह आप जरूर ट्राई कीजिए ये न्यूट्रिशियस डिलीशियस टेस्टी सोया मंचूरियन, सबको बहुत पसंद आने वाला है। प्रोटीन से भरपूर, सबका पसंदीदा, जरूर बनाइए, सबसे तारीफ पाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।